कोरोना के नाम पर आम जनता से पैसे वसूल करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का आंदोलन। शहर में कोरोना प्रकोप भले ही कम हुआ हो, मगर थोड़ा क्यों ना हो, कोरोना प्रभाव शहर में है। जब से कोरोना काल में मनपा में निजी अस्पतालों को कोरोना पेशेंट के लिए अनुमति दी है, तब से निजी अस्पताल आम जनता से ज्यादा पैसे वसूल करने की खबरें सामने आ रही है। शुक्रवार को भी यही हुआ। शहर के एक निजी अस्पताल में कोरोना पेशेंट से ज्यादा पैसे वसूल किए जाने की खबर भाजपा युवा मोर्चा को मिली। मोर्चा के सभी सभासद अस्पताल पहुंचे और अस्पताल से पैसे कम कराए, मगर रोजाना हो रहे इस मामले को देख भारतीय युवा मोर्चा की ओर से शनिवार को आंदोलन किया गया है। बिल मला कसं आहे, 7 दिवसांपासून आई ऍडमिट होती माझी आणि त्यांनी मला सांगितलं की 2 ते 2.5 लाख रुपये खर्च लागेल कदाचित, पण मला वाटलं की मेडिसिन त्याच्यात इन्क्लूड असतील, पण मेडिसिनचे मला 18,000 एक्स्ट्रा द्यावे लागले, प्लस पॅथॉलॉजी पण मला एक्स्ट्रा द्यावी लागली। आणि त्याच्यानंतर जेव्हा आई म्हणजे इथलं मॅनेजमेंट व्यवस्थित होतं, म्हणजे डॉक्टर्स वगैरे खूप चांगले होते, कॉपरेट सर्व्हर सगळ्यांनी केलं, पण आता कसं आहे की जेव्हा ॲडमिट केल्यानंतर जेव्हा डिस्चार्जची जेव्हा वेळ आली तर तेव्हा ते बोलले की तुम्हाला मी 60,000 रुपये पहिले भरलेले आणि आता परत म्हणाले की मला 1,20,000 रुपये परत भरा। तर मी त्यांना तेच म्हटलं की तुमचं जे काही ऑडिटर आहे किंवा काही आहे त्याबद्दल मला तुम्ही सांगा। तर मग त्यांनी ऑडिटरचं नाव घेतल्याबरोबर 78,000 वर बिल केलं, म्हणजे 60,000 पहिले भरले प्लस 78,000 भरून टाका म्हणे। मग त्याच्यानंतर मी परत रोहित इमते आहे तर त्यांना कॉल केला मी, तर ते मग आले तर त्यांच्याशी जेव्हा फोनवर बोलणं झालं, त्यांचं प्रसाद लुटे म्हणून आहे इथे मॅनेजमेंटमध्ये, तर त्यांच्याशी जेव्हा बोलणं झालं तर ते म्हणाले की सरळ सरळ मला 40,000 रुपये बिल करून दिलं मला। मग हमारा मित्र कपिल अंजू जुमले करके, कल इसकी माँ यहाँ पर पिछले 7 दिन से एडमिट थी, कल इसको बिल दिया गया, कल डिस्चार्ज था आंटी का, 1,80,000 का बिल आया, 60,000 रुपये पहले भरे थे, बोले 1,20,000 जमा करो। कपिल ने रोहित को फ़ोन किया, रोहित ने हमारे वरिष्ठों से बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑडिट का एक बंदा बैठता है, उसको बोलो कि ऑडिट करके हमको बिल दे। जैसे ऑडिट का नाम निकला वो बोले कि आप 1,20,000 मत भरो, आप 78,000 रुपये भरो, केवल 78,000 रुपये भरो। लेकिन फिर हमने कहा कि आप जो हमको 78,000 कम करके दे रहे हैं उस पर हमको ऑडिटर की साइन चाहिए, तो बोले 78,000 भी छोड़ दो, बोले आप केवल 40,000 रुपये भरो, मतलब 60,000 पहले भरे हुए और 40,000 मतलब 1,00,000 का बिल। तो इन्होंने 1,80,000 का बिल केवल 2 फोन के बाद इन्होंने 1,00,000 पर ला लिया, 80,000 रुपये वैसे ही कम कर दिए। लेकिन जब इनको पता चला कि हम लोग वहाँ पर जाने वाले, और कल शाम को जब हम उनके पास गए और उनसे उनको हमने 4 सवाल पूछे, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने 1,80,000 का बिल 40,000 कर दिया, बोले 40,000 का ही आपका बिल है और 20,000 रुपये ऊपर से लेकर जाओ। ये केवल गरीबों की लूट है, ये हॉस्पिटल के मैनेजमेंट गरीबों को लूट रहे हैं, पैकेज के नाम पर ज़्यादा पैसे लेना इनका धंधा हो चुका है। पीछे देख सकते हैं बड़ी बड़ी इनकी गाड़ी है, डिस्कवरी आती है, मर्सिडीज आती है, आती कहाँ से, गरीबों के पैसों से आती है। ये 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के जो पैकेज का धंधा बना के रखा है वो तुरंत बंद होना चाहिए। और सभी नागपुर के लोगों को निवेदन है कि ऑडिटेड बिल मांगिए, इनको कोई हक नहीं बनता, महानगर पालिका के बोर्ड लगे हुए हैं, कितना रेट लेना चाहिए क्या लेना चाहिए उसी के हिसाब से ये रेट ले सकते हैं, और अगर नहीं लेते तो तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और हम आज यहाँ पर युवा मोर्चा के 5 ही लोग आए, हम आंदोलन कर सकते थे, हम आंदोलन नहीं कर रहे, लेकिन हम कल म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलने वाले हैं और ये हॉस्पिटल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी बंद होना चाहिए। और ये जो मैनेजमेंट के लोग हैं, सुना है कि ये घंटावर जी का हॉस्पिटल है, वादग्रस्त आदमी है वैसे भी, तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होकर, सख्त से सख्त कार्रवाई होकर इस हॉस्पिटल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ना चाहिए, जिससे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज़ नागपुर।